प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप सबों के बीच में परमेश्वर का पवित्र कलाम लेकर उपस्थित हुई हूँ और मेरा बिलीव है जब आप इन वचनों को सुनोगे और इस पे मनन करोगे तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम आज का पवित्र कलाम देखते हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर ने हमारे जो आशीषें हैं वे हमें मिल चुकी हैं, हमें दे दी हैं, क्योंकि हम अभी मांग रहे हैं लेकिन उस प्रभु ने हमें पहले से वो सभी आशीषें दे दी है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पहले से ही क्रूस पर पूरा कर दिया है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन आशीषों पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि हमें ये मिल चुकी है। इसका मतलब क्या है, हम वचन में कच्चे हैं। अभी हम वचनों को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं वचनों के द्वारा। मेरे प्रियो, वचन कहता है, परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको वो सभी आशीषें मिल चुकी है। हाँ, आपको इन आंखों से वो आशीषें अभी नजर नहीं आ रही होंगी। हो सकता है आपको अपने जीवन में वो ब्लेसिंग जो आप लेना चाहते हैं वो आपको नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप उसे आत्मिक आंखों से देखोगे तो परमेश्वर आपको वो सब जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये सभी आशीषें आपको मिल चुकी है, वचन कहता है। और वचन सत्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर कुछ भी अधूरा नहीं रखते। इसीलिए ये आशीषें तो आपको मिल चुकी है, लेकिन इन आशीषों को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको क्या करना है, आत्मिक लड़ाई में आत्मिक योद्धा बन के उतरना है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो ये सब कुछ आपके अधीन हो जाएगा और इसके लिए आत्मिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे प्रियो, और हमारा जो युद्ध है, आप जैसे जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों अध्याय 6 वचन नंबर 12 में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो किसी मांस और लहू का युद्ध नहीं है, उस अंधकार की ताकतों के खिलाफ है, उन अंधकार के हाकमों के खिलाफ है जो आसमान में है। मेरे प्रियो, लेकिन हमें शारीरिक रूप से उन ताकतों का सामना करना हमारे लिए मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, और आपको आत्मिक रूप में ही इस लड़ाई में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखोगे तो आप इस लड़ाई को जीत पाओगे, और अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ोगे तो आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। अगर आप वचनों पे विश्वास रखोगे तो आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन सुने, शैतान नहीं चाहता कि आप रोजे रखें, आप प्रेयर में बैठे, आप परमेश्वर के साथ संगति में बढ़े। शैतान ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे उसका अंत जो है वो पता है। मेरे प्रियो, और आप इस लड़ाई को पहले से जीत चुके हैं, वचन कहता है। इसीलिए आपको आत्मिक योद्धा के रूप में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ना है। मेरे प्रियता, जो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओ। हालेलुया। और इसके लिए अगर हम देखें वचन नंबर याकूब अध्याय 4 वचन नंबर 7 हम पढ़े तो लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप पहले से अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखते हो तो वो आपके पास खड़ा नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो हमेशा वो इस ताक में रहता है। वचन कहता है कि वो हमेशा सिंह की तरह, गर्जने वाले सिंह की तरह आपके चारों ओर घूमता है कि जब आप फिसलो उसी वक्त वो आपको निगल जाए।
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको सही मायने में सही अर्थ और सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे राहों का जो है वो उजियाला है मेरे प्रियो। उस मार्ग पे वो हमें लेके चलता है जो मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तय किया है। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना है और वचनों को सुनना है, वचनों को पढ़ना है और वचनों पे मनन करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़े पत्रस अध्याय एक वचन नंबर 10 और 11 हम पढ़े, लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम सब मसीही क्या करें, अगर हम परमेश्वर के वचनों को मनन करें और जो परमेश्वर ने हमारे लिए विधियां ठहराई हैं और आज्ञाएं हमें दी हैं, अगर हम उन्हें माने, हम परमेश्वर के पवित्र राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। और इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है, और आज्ञाएं आप तभी समझ पाओगे अगर आप बाइबल को पढ़ोगे। तो सबका अगर आप देखें तो एक ही मतलब निकलता है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करो, तो परमेश्वर आपको इस अंधकार से बाहर निकालने में आपकी मदद तभी करेंगे जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि हम शैतान के कामों को भी करते जाएं और परमेश्वर के वचनों को भी पढ़ते जाएं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जा तो परमेश्वर के हो जाओ, दिल से हो जाओ और परमेश्वर की आज्ञाकारिता करो अगर आप अपनी आशीषों को चाहते हो, और जा फिर आप परमेश्वर की तरफ फिर उंगली मत उठाओ कि नहीं, हमारे जीवन में ये आशीष क्यों नहीं मिल रही, हम तो इतने सालों से पुराने मसीह हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, लेकिन अगर आपने अपने शारीरिक कामों पर, तो जो बंधन है आपके शरीर पर उससे आप आजाद नहीं हुए, आपने अपने शारीरिक कामों को पहल दी, तो आपके जीवन में ये आशीषें नहीं रहती प्रियो, आप इन आशीषों को नहीं देख पाते। जबकि हमारे परमेश्वर ने तो वचन कहता है पहले से हमें आशीषित किया है। हालेलुया। तो आपको मेरे प्रियो क्या करना है, आप परमेश्वर के वचनों को समझे, उन्हें पढ़े और आप अपनी विश्वास की लड़ाई को पूरे विश्वास में दृढ़ होकर लड़े मेरे प्रियो, क्योंकि जीत आपकी है, परमेश्वर आपके साथ है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे कोई और जीत नहीं सकता और वहां पे किसी और की उपस्थिति नहीं रह सकती। इसीलिए अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और ये वचन आपके जीवन में सौ गुना फल लेकर आए। आप सबको जय मसीह की।